नमस्कार, मैं प्रिया, बिहारी न्यूज में आपका स्वागत है। सरकारी नौकरी की तलाश कर रहे और शिक्षक बनने की इच्छा रखने वाले युवाओं के लिए अहम सूचना। स्कूलों में जल्द ही वैकेंसी आने वाली है। शिक्षा विभाग ने भी हाल ही में सातवें चरण में शिक्षक नियोजन को शुरू करने के लिए 30 जून तक प्राथमिक और मध्य विद्यालयवार खाली पड़े पदों की जानकारी मांगी है। सातवें चरण के शिक्षक नियोजन के लिए छात्रों का लगातार विरोध भी चल रहा है, जिसके बाद ही बिहार में जल्द ही सातवें चरण के तहत नियोजन की तैयारी हो रही है। इसको लेकर शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव दीपक कुमार ने भी अहम जानकारी साझा कर दी है। दीपक कुमार की माने तो अगले चरण की तैयारी के लिए पत्र जारी कर दिया गया है, जिसके तहत ही अब जुलाई के अंतिम सप्ताह तक इसको जारी भी कर दिया जाएगा। इसका अर्थ यही है कि जुलाई के अंत या अगस्त के शुरुआत में वैकेंसी आ जाएगी। खबर के अनुसार छठे चरण के खाली रह गए 48,000 सीटों को इसी वैकेंसी में जोड़ने की उम्मीद जताई गई है, जिसके बाद ही अब कुल मिलाकर 80,000 रिक्त पदों पर वैकेंसी आने का अनुमान लगाया गया है। शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव दीपक कुमार की माने तो सातवें चरण की बहाली शुरू करने को लेकर बीते कई दिनों से धरना भी दिया जा रहा है और धरना दे रहे युवाओं से यही अपील की गई है कि वो अपना धरना खत्म कर दे। टीईटी शिक्षक संघ के प्रदेश अध्यक्ष अमित विक्रम ने मांग की है कि मध्य विद्यालय में विषयवार शिक्षकों की बहाली सरकार किसी भी हाल में करे। सातवें चरण की बहाली को लेकर प्राथमिक निदेशालय ने अब सभी डीईओ और डीपीओ को निर्देश भी जारी कर दिया है, जिसके बाद ही अब नियोजन की प्रक्रिया से संबंधित व्यापक सूचना जुलाई के अंत तक जारी करने की उम्मीद है। जानकारी के अनुसार 31 मार्च 2022 की स्थिति में स्कूल और नियोजन इकाईवार रिक्त पदों की गणना की जानी है। डीईओ को रोस्टर बिंदु के क्लियरेंस के लिए अब 15 जुलाई तक का समय जारी कर दिया गया है। पोर्टल पर अपलोड करने की अंतिम तारीख अब 25 जुलाई निश्चित की गई है। आपकी जानकारी के लिए आपको बता दें कि बिहार में सातवें चरण के शिक्षक बहाली की मांग को लेकर लगातार अभ्यर्थी धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। सरकार ने हालांकि आश्वासन जरूर दिया है कि सातवें चरण के शिक्षक नियोजन का काम जल्द ही होने वाला है, लेकिन अभ्यर्थी सिर्फ आश्वासन से नहीं मानने वाले हैं। हालांकि अब इस नए ऐलान के बाद उम्मीद है कि शिक्षकों की बहाली का रास्ता साफ हो जाएगा। इसके साथ ही आज के इस वीडियो में बस इतना ही। तब तक के लिए धन्यवाद।